हेडलाइट नहीं है मोटरसाइकिल में बैक लाइट है बंद बैक लाइट तो मेरे को लगता है कि शायद कई सो में को एक मोटरसाइकिल होती होगी जिसके पीछे बैक लाइट काम करती होगी अच्छा खुद आप अपना वो जो देखिए बाद ब्रेक जो आप लगा रहे होते हो तो पहले तो है ना ये आगे का जो पाँव का जो अगला हिस्सा होता है उससे ब्रेक लगता है ठीक 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 फिर आहिस्ता आहिस्ता वो यूं नीचे चला जाता है आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक शू खत्म हो रहा होता है फिर उसका स्प्रिंग टूट रहा होता है यूं दबाता है ना तो ये स्प्रिंग पीछे से गया नट बाहर निकला वाइशर बाहर निकला और ये सीधा वो ब्रेक दे होता दे है ना ब्रेक फेल पूरा बंदा फेल होने का डर लगता है ये मोटरसाइकिल चलाने वालों दस बीस पचास सौ दो सौ रुपए का खर्चा है क्या ये भी आप एफोर्ड नहीं कर सकते अच्छा कईयों का तो क्लच देख रहे होते कि ये जो क्लच है ये इसके मतलब कि कोई दो चार तार ही रह गए भैया अब ये बस ये टूटा के टूटा नहीं टूटने का इंतजार करेंगे ये अच्छा बाद ये जो एक्सीटर ये ये पहले तो शुरू शुरू से काम कर रहा होता था फिर शुरू में काम करना बंद कर देता है फिर थोड़ा तो यूँ करते काम करता है फिर तो ये मोटरसाइकिल चलाने उसको पता है कि थोड़ा सा यूँ करूँगा ना फिर काम करना शुरू करेगा अरे भैया तार बदल लो तार इसका वायर होता है जी हाँ ये मुझे मतलब चीज़ें घिसती हैं आप बोलो कि मैं दो साल तक मतलब तो कोई मुझे बताएगा कोई मोटरसाइकिल वाले ने बोला कि इसकी जो ये जो एक्सीटर का जो तार है इसकी पाँच साल की वारंटी है ये जो ब्रेक शू लगाया है इसकी दस साल की वारंटी है ये जो हेडलाइट का जो बल्ब है इसकी जनाब आपके पाँच साल की वारंटी है और आप बोलो जरा वारंटी वाली मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल कौन सी ऐसी भाई मुझे बताएं कि इतनी बड़ी बड़ी वारंटियों के साथ मिलती हैं मोटरसाइकिल के पीछे टायर पर वो जो नहीं दुमची जो आप वो बोलते कवर होता है टायर के साथ कवर होता है ये कवर को ऐसा मतलब खूबसूरती को थोड़ी होता है कि खाली मतलब वो टायर के ऐप छुपाने के लिए होता होगा और भैया पीछे पूरा वो कवर निकाल दिया पानी सीधा ओर उड़ कर उसके शर्ट के ऊपर जो उसने जो नक्शा बनाया हुआ है कि ये जाना किधर चाहता है तो कभी सोचा है आपने अब क्या कर रहे होते हैं एक औरत पिछले दिनों गिरी है इसका पूरा मुंह से छिल गया एक बच्चे को मैंने देखा पूरी इसकी हथेली छिल गई इतनी गफलत करते मोटरसाइकिल वाले बच्चों के पाव या तो पीछे के टायर में मैंने देखा पीछे के टायर में एड़ी से ऐसा मत उसकी जिल्द उड़ गई गोश्त निकल गया बाद साइलेंसर पर पांव लगा और पूरी जो जेल थी ना वो साइलेंसर पर चिपक गई इतनी जलन। ये तो ये पर है का, टायर। इसके दांत घिस गए बूढ़ा हो गया टायर बूढ़ा हो गया है मतलब आप सोचिए टायर कैसे चलेगा इस कील, कील तो बड़ी दूर की बात है कील को तो जहमत की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके टायर को पंचर करने के लिए तो छोटा मोटा ये मतलब कंकर हाँ हाँ ही काफी है।, है एक साल में जितने पंचर लगाए ना इन पंचर के पहले कोस निकाल ले दो टायर आ गए होते आपके मैंने आज एक इस्लाम को कहा यार चेन के अब क्यों नहीं लगा मतलब तो चेन उतर जाती है चेन को पैसेंजर है जो उतर जाती है यार अब चेन को आपने बेचैन कर दिया चेन कब बेचैन होती है जब उसके अंदर ऑयल ना डाला जाए हादसा कितना बड़ा रूनुमा हो सकता है अरे सर की चोट हाथ की चोट पोंख की चोट मोहताजी माजूरी हल्की सी सर की चोट लगती है आप आजकल आप डॉक्टर हजरात क्या कर देते हैं सीटी स्कैन सीटी स्कैन करा लो ले भाई जाओ सीटी स्कैन के अंदर आठ से दस हजार रुपए का सीटी स्कैन अच्छा अल्लाह ना करे कोई कमर की ऐसा की चोट आ गए फिर आप क्या गए एमआरआई आई दस सौ रिपोर्ट इन्होंने निकल निकलवानी है टोटल खाली चेकअप रिपोर्ट का जो बिल बनाकर देंगे ना ये चार मोटरसाइकिल आ जाएंगे इसकी हर महीने दो पांच सौ रुपए दो पांच सौ रूपए मोटरसाइकिल को देने पड़ेंगे जो मोटरसाइकिल खाली रक्षे का किराया नहीं बचाती मोटरसाइकिल खुद भी कुछ खाती पीती खाली पेट्रोल ही नहीं पीती मैं मोटरसाइकिल चलाने वालों को देखता हूँ यूं करेंगे अच्छा आस पास देखेंगे कोई देख रहा है देख रहा है यूं करेंगे वो क्या गाड़ी में बैठ कर तालियां बजा रहा होगा कि ये जनाब बहुत अच्छा काम किया नहीं ये बोल रहे होंगे अबे जिस डेढ़ शहर को देखो ये चौदह अगस्त में इस तरह के दिनों में पता है हॉस्पिटलों में इमरजेंसी लगी हुई होती है और आप जैसे मोटरसाइकिल राइडर जो हैं ये उस वक्त हॉस्पिटलों के अंदर पड़े हुए होते हैं किसी का सर फटा हुआ आता है किसी के अल्लाह नगर आंख निकली हुई होती है हाथ जोड़ता हूँ खुदा का वास्ता देता हूँ मेहरबानी करे मेरे पीर सा फरमाते हैं चेतना नर सदा सुखी जो मोहताद आदमी होता है वो सुखी